अपने हिसाब से काउ मिल्किंग चेक करेंगे कि दूध में पानी उन्हें मिलाया है कि नहीं मिलाया है, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों 4.5 लीटर पक्का दूध है, अभी भी 10 महीना बाद भी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 7:30 हो चुका है और एकदम बहुत तेज का धूप हुआ है, बहुत एकदम अच्छा, इतना बढ़िया धूप हुआ है। और दोस्तों देखिए, हम लोग अतवरिया का दूध निकालने के लिए आ गए हैं तालाब घर से, तो अभी इसका मिल्किंग करेंगे दोस्तों और लेके चलेंगे बाज़ार। और आज कई दिनों से उस घर पे थे हम लोग शादी में, और कल दोस्तों हम लोग एक सियार का मदद किए, उसका मुंह में डब्बा फंस गया था, उसको निकाल दिए। तो दोस्तों आज चलते हैं, पहले इसका मिल्किंग करते हैं, फिर बाज़ार जाएंगे, और बाज़ार से आएंगे तो हरा चारा की व्यवस्था करना है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, हमारी गाय पहना गई है, अब दूध निकालना चालू करते हैं। और देखिए बाबू इधर थरिया लेके पहुंचा है, सब बच्चा लोग गिलास लेके पहुंचते हैं, तो बाबू थरिया लेके पहुंचा है दूध के लिए, ला। और देखिए इसमें दूध ले जाएगा थरिया में। सब छिटकी मारता है, पूरा इधर छिटकी आ रहा है, फुहार रहा है। और हाँ गिर रहा है, ले जाओ ले जाओ, तो उसको खाने के लिए बोल रहा है। देखिए इधर भी थोड़ा कुछ पड़ गया। और देखिए दोस्तों, हमारा काउ मिल्किंग स्टार्ट हो गया है, बाबू अपना दूध लेके चल गया थरिया में, ले गया थाली में, और मिल्किंग कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद से चलेंगे बाजार। और फिर से दोस्तों हम लोगों को शादी वहाँ है घर पे, तो फिर से चला जाना है एक दो दिन में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और देखिए ये काउ मिल्किंग। और देखिए दोस्तों, हमारी गाय का अब 10 महीना से ज़्यादा हो गया बच्चा दिए हुए, 10-11 महीना हो गया। देखिए अभी इसके पास कितना दूध है। तो दोस्तों ये सब तरीका है दूध निकालने का, और खिलाने पिलाने का भी तरीका एक होता है, जिससे हमारी गाय अभी भी दूध बरकरार है। और मेरे मझले भैया का गाय है जो 15-16 दिन हुआ है उसका बच्चा दिए हुए, तो उसके पास जितना दूध है, तो इसके पास अभी 10 महीने में उतना दूध है। देख लीजिए अभी 10 महीना हो गया है, फिर भी इसके पास उसके टक्कर में दूध है। उसके पास 16 लीटर है, लेकिन इसके पास अभी भी 9 लीटर दूध है, 4.5 लीटर एक वक्त में अभी भी। तो दोस्तों पूरा मिल्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, हमारा काउ मिल्किंग करते करते ये बाल्टी भर गया, अभी मिल्किंग करना बाकी है। और देखिए ये भतीजा हमारे चेक करने आए हैं कि फूफा जी कितना क्या करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फूफा जी इतना दिन से दूध निकालते हैं, लेकिन आज हम इनको अपने हिसाब से काउ मिल्किंग चेक करेंगे कि दूध में पानी उन्हें मिलाया है कि नहीं मिलाया है, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अगर पानी होता तो टप से नीचे आ जाता, लेकिन हम लोग के यहाँ चीटिंग नहीं होता है, और आप लोग का प्यार बना रहेगा तो ऐसे भी हम लोग चीटिंग नहीं करेंगे दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, अभी बाल्टी भर गया, अभी मिल्किंग बाकी है, थोड़ा डिब्बा दे दो बाबू। और दोस्तों देखिए, बाल्टी भरने के बाद भी इसमें निकालेंगे इसको। और वहाँ जो उस घर पे दो गायों के हम दिखाए हैं, तो दोनों गाय के टक्कर में हमारी गाय है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन लोगों के पास भी 14 लीटर और एक के पास 16 लीटर दूध है, और वो ताज़ा भी आउट है, और हमारी 10 महीना हो गया है, फिर भी देखिए वो 4.5 लीटर की बाल्टी है जो भर गया, झाग है उसमें अभी, और इसमें भी हम निकाल रहे हैं, देखिए अभी निकालना बाकी है। और दोस्तों देखिए, हमारा काउ मिल्किंग फाइनल हो गया, और इधर देख लीजिए डब्बा भी यहाँ तक दूध निकाल दिया, और बाल्टी को भी भर दिया है हमारी गाय, और 10 महीना से ज़्यादा अब हो रहा है, तो इतना दूध है हमारे गाय के पास। और क्या खिलाते हैं आप लोग भी जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो हम बता देंगे किसी वीडियो में कि क्या खिलाते हैं। देखिए अब इधर है, नाप दीजिए बैठ करके दोस्तों। देखिए गाय का दूध इधर नापाना चालू हो गया है, नाप रही है अर्चना की मम्मी डब्बे में, और फटाफट नाप करके हम और चलते हैं अब बाज़ार, क्योंकि अब 8 बजने वाला है, और ज़्यादा लेट होगा तो दूध जहाँ देते हैं वो भैया लोग बोलते हैं कि भाई लेट मत करो। हमारे भाई साहब का जो गाय है उसके पास 16 लीटर है अभी, लेकिन ताज़ा भी आउट है वो, और वो अभी जब 10 महीना होगा तो उसके पास भी कम हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होने देंगे हम। अगर यदि वो हमारे पास गाय होती तो 20 लीटर दूध निकालते, उस तरीके का खिलाना पिलाना है हमारे पास, मालूम है हमको, तो आप लोग भी खिलाइए पिलाइए बढ़िया तरीक़ा से कि दूध ज़्यादा मिले, और पशु को खिलाएं तभी तो दूध अच्छा मिलता है, हो गया जी। और दोस्तों देखिए, हमारा बाल्टी खाली हो गया,
और एक लीटर इसमें है, एक लीटर इसमें है, और आधा लीटर इसमें है, और दो लीटर इसमें है। तो दोस्तों 4.5 लीटर पक्का दूध है अभी भी 10 महीना बाद भी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अब हम चलेंगे बाजार, और बाजार से आएंगे तो हरा चारा की व्यवस्था करेंगे। लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से हमसे मिलने। तो अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम दयानंद है और मैं 50 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ भैया से मिलने, क्योंकि ये जब घर बना रहे थे अपना, इनका स्थिति मैं देखा था, पानी में मतलब बना रहे थे और काफ़ी मेहनत करके ये घर बनाया है। इनका घर बहुत अच्छा है, अभी मैं देखा नहीं हूँ लेकिन वीडियो में ही देखा हूँ, अभी रियल टाइम देखूंगा। अभी ले चलते हैं भैया को दिखाने के लिए। और देखिए इधर अतवरिया को खिला पिला करके खड़ा कर दिए हैं, मतलब 3 समय खिलाते हैं, सुबह दोपहर शाम। और उधर नंदू है, इनका यही गाय है जो कि एक बाल्टी दूध देती है। हाँ देती है। और आप लोग सभी लोग देखते हैं, आ जाओ अर्चना, आइए भाई। और ये अर्चना है। हाँ ये अर्चना है, आ जाओ। और दोस्तों देखिए अब हम लोग तालाब घर में चलते हैं, भैया को थोड़ा सा तालाब घर का टूर कराते हैं। अरे अब तो एक ही घर है तो कितना टूर कराएंगे, लेकिन फिर भी इनका इच्छा है। देखिए 50 किलो लगभग 45-50 किलोमीटर है, और वहाँ से भैया मिलने के लिए आए हैं। ए आ जाइए जी, आप बाहर आ जाइए। अर्चना की मम्मी इधर कुछ कर रही थी। ठीक है, आप नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते कर दीजिए। तो थोड़ा सा ये मतलब शर्माती हैं देहात के, जानते ही हैं आप लोग। आ जाइए, आ जाइए, पहुँच जी, आप भी आ जाइए। और देखिए ये बाबू गांव से ही हैं, और ये पहुँच जी को तो आप लोग पहचानते ही हैं। तो ये रिलेशन है इनका बाबू का, तो ये आपस में ये लोग ये पूछे इनसे कि वो आप ही के यहाँ के हैं, तो इन्होंने बात सब करा करके और फिर उसके बाद से ये लेके आए हैं। मतलब ये हमारे ही गांव के हैं, उधर बगल के हैं। भैया को तो पता नहीं था लेकिन इनको इनके वजह से मैं इनके माध्यम से संपर्क हुआ। तो बैठिए आराम से बात करते हैं, आ जाइए इधर आप लोग भी। और दोस्तों देखिए भैया आए हैं तो हमको सच में बहुत खुशी है, आनंद है, इसलिए कि हम इस लायक आप लोगों के सपोर्ट से बने हैं कि हमसे कोई मिलने आ रहा है। और हमारी मजबूरी, आप कब से देखते हैं वीडियो? स्टार्टिंग से, जब आप स्टार्ट किए थे, जब इसमें घर शुरू किए थे, जब से मैंने सर्च किया था ब्लॉगिंग विलेज ब्लॉग, तो ऐसा कुछ आया था आपका। अच्छा, देखिए बात चला रहे थे नाव से। तो घर तो एक नंबर है, घर मतलब तालाब में ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है नीचे से, और गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो गर्मी के लिए तो यार ये कूलर है, मान के चलो। तो सच में कूलर के समान है। और दोस्तों ये मतलब गर्मी भर समझ लीजिए कि 8-9 महीने यहाँ मस्त रहेगा, 3 महीना सर्दियों में थोड़ा दिक्कत होता है। पहले लर्निंग करिए फिर अर्निंग करिए, पहले लड़िए फिर आज़ादी करिए। जी तो, यूट्यूब किसी का भी वो मेहनत देखता है कि ये लड़का या बंदा कितना मेहनत कर रहा है, मेहनत जो करेगा उसको फल तो जरूर ही मिलेगा। तो बाकी थोड़ा सा बैठ के बातें होंगी, उसके बाद फिर मैं उसके बाद फिर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी हम लोग बात कर लें, और भाई दूर से आए हैं तो इनको थोड़ा सा नाश्ता पानी हम लोग करा दें, उसके बाद से तत्काल में जो व्यवस्था है। भैया को पहले प्यास का दिन है तो पानी वानी पिलाते हैं। देखिए अर्चना की मम्मी इधर ला के रख दी हैं 2 गिलास पानी, और अर्चना ये लो ले जाओ, बाबू को भी दे देना, ले जाओ और छोटी को भी दे देना। तो दोस्तों अभी भैया को पानी वानी पिला लेते हैं, पीजिए। ए आप भी पीजिए बाबू, पहुँच जी आप भी खाइए। और दोस्तों यहाँ का आनंद, मतलब यहाँ का आनंद जो आते हैं वही बताएंगे, आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है यहाँ, इतना आनंद आता है ना। ये ऐसा घर तो मतलब हम बना रहे थे उस समय, बहुत भैया लोग कमेंट किए कि भाई सफल नहीं हो पाओगे, ये नहीं हो पाओगे, तो मेहनत ही सफल रंग लाता है और सफल कराता है। पहले ही आप लोग हार नहीं मानिए, अगर हम उस दिन पहले दिन हार मान जाते तो होता आज हम लोग यहाँ बैठते नहीं बैठते। तालाब में जो घर बना है ये आपको देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। तालाब में जो घर है ना, दूर से मतलब बहुत इमेजिंग दिखता है, और यहाँ पे आके मतलब सुकून जो मिलता है ना, मजा आ जाता है। यही देख कर तो मैं आया हूँ यहाँ पे। और दोस्तों देखिए नाश्ता पानी होने के बाद लगभग 1.5 घंटा हम लोगों में बातचीत चला, अपना दुख सुख सब लोग हम साझा किए। ये भी यूट्यूबर है तो भाई भाई हैं हम लोग, तो सब दुख सुख हो गया है। अब भैया चलेंगे घर, क्योंकि 50 किलोमीटर कम होता नहीं है, बाइक चलाना है, तो अभी से जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए पवन जी, छोड़ दिए जाए, आ जाइए। हेलो। और देखिए दोस्तों इस तालाब घर को देखने के लिए भैया, हाँ बहुत दिन से देखते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ घर, और भैया का स्थिति देख करके थोड़ा सा दुख हो रहा है,
भगवान इस ऐसा स्थिति किसी का किसी को भी ना करे, तो इनका मैं थोड़ा सा हेल्प करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास है कैश वो मैं भैया को देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा भैया मेरे तरफ से, ले लीजिए। अब ये भैया चल के आए हैं हमको देखने के लिए इस घर को, फिर थोड़ा सा मैं शर्मिंदगी महसूस होता है। नहीं, अपने खुशी से दे रहा है, खुशी से मैं दे रहा हूँ, और बाकी स्थिति इनका थोड़ा सा डाउन है, तो इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा है, ज्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा ही है, ठीक है, ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, भैया लगभग कितना पहुँच थोड़ा, दोस्तों ये तो दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि भैया का अपमान होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी है वो हजार रुपया भैया हमारे लिए 5,000-10,000 के बराबर है, 1,00,000 के बराबर है, क्योंकि ये श्रद्धा मन से दे रहे हैं हमको, और हमको नहीं ये बोल रहे थे कि आप लोगों को कहीं जाना है तो बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लीजिएगा, तो वैसे हेल्प में दे रहे हैं। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स बाय बाय, मैं निकल रहा हूँ घर, क्योंकि टाइम से पहुँचना भी है, घर रात हो जाएगा, आ जाइए। दोस्तों देखिए, भैया को हम लोग छोड़ देते हैं गाड़ी तक, और भैया चले जाएंगे क्योंकि इनको रात होगा ना, तो इसीलिए, और यहाँ खूब 1.5-2 घंटा यहाँ पे सब इंजॉय हुआ, बात विचार हुआ, तो अब हम भी अतरिया को खिलाएंगे, शाम हो गया है, देखिए उधर बैठी हुई है, ठीक है भैया। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सभी लोग बाय करिए, बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।